आदाब नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। शहर हैदराबाद में कत्ल और कातिलाना हमलों का सिलसिला जारी है। आए दिन कहीं ना कहीं कत्ल की वारदातें अंजाम दी जा रही है। आइए इसी तरह की एक अफसोसनाक खबर की जानिब बढ़ते हैं, जहां पर एक जालिम शोहर ने अपनी ही बीवी का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत तालाकुंटा इलाके में एक 45 साल अबरार नामी शख्स, जो के पेशे से लॉरी ड्राइवर बताए गए हैं, इन्होंने अपनी ही बीवी 38 साल महरुनिसा पर तेज धार हथियारों से हमला करते हुए इनका कत्ल कर दिया। जरा से मिली इतला के मुताबिक पता चला है कि अबरार नामी शख्स शराब नोशी के आदि हैं। हो सकता है कि नशे की हालत में ही धुत होकर इन्होंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इस शख्स ने अपने बच्चों के सामने ही अपनी बीवी का बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बच्चों में आने वाली बेटी और माँ पर भी इस दरिंदा सिफत शख्स ने वार कर दिया, जिसके नतीजे में बेटी और माँ भी जख्मी हो गए। खानदानी घरेलू झगड़े को इस कत्ल की वजह तस्वुर किया जा रहा है। इतला के साथ ही पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगर्जे पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए मजीद दावियों से तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से यह खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी बहन मेहरुन्निसा है, मैं उनकी बड़ी बहन कमरुन्निसा हूँ। मेरी बहन के साथ मैं बहन ही रोज पी के लड़ते थे, रात में भी लड़े। ऐसी चुनो लड़े तो उन्होंने अम्मी के घर को आ गए, हमारे वालदा के पास आ गए। आ गए तो सुबह में आके उन्होंने घर में घुस के, अम्मी के घर में घुस के उन्होंने बकरे को काटे, सर का काट दिए। घर में कोई नहीं था, मर्द बच्चा कोई भी नहीं था। देख के आके बच्चे को करे, फिर हमारे अम्मी को भी मारे उन्होंने, अम्मी को भी मार लगा, मुंडे पे चाकू लग गई। फिर उनके खुद की बेटी भी बीच में आए तो उंगलियां काट दिए उन्होंने। बहुत जलील है आदमी, वो आदमी का ने बहुत जलील हरकता है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से वो आदमी को भी वैसी सजा होना जो मेरी बहन के संगत करा है। उन्हें बच्चे है, उसको छोटे छोटे 3 बच्चे है। झगड़े की वजह पीवट है आदमी, वो हमारा को नहीं मालूम था। करे सो वक्त पी के ऐसा लड़ा आदमी, वो रोज लड़ता था दिन रात लड़ना। तो उन्होंने बेजार होके आ गए थे यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो आदमी कोहिर का है, कोहिर को दिए थे हम लगा। कितने साल हुआ शादी हो? शादी होके 20 साल हो रहा। उनके उनके घर वाले भी ऐसे लड़ाया, धूम धूम के लड़ाया। लड़े तो उन्होंने गांव छोड़ दे के यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने यहाँ रहती हूँ मैं। इससे पहले कभी आप पुलिस में कम्प्लेन करे थे क्या इनके ताल्लुक से? नहीं करे हम लोग। अब शोहर बीवी की लड़ाई है, लड़ते खामोश बैठते बोल तो उन्होंने पीने में पड़ गए। उन्होंने लारियां चलाने वाले है उन्होंने। ये आज 1:30 बजे हुआ ये वाकया, आज के दिन 1:30 बजे हुआ। कल रात में हमारी बहन यहाँ आ गए थे तो आज 1:30 बजे आके उन्होंने घर में घुस के हमारी बहन को, अम्मी को भी ढकल दे के उन्होंने मार के गए। कोई जेंट्स नहीं था घर में। आज चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में तालाकुंटा गांव में एक हादसा हुआ। वो अपने बीवी को, एक अबरार अहमद जो है सो उनके बीवी मेहरुन्निसा को कत्ल करे। इसका रीज़न है ये लोगों का शादी होकर 15 साल हो रहा। ये लोगों का बीच में घरेलू छोटे छोटे मसले हैं, वो रहने से ये ज़रा रोज पीना, घर वालों को सताना, वो सब चल रहा। ये लोग एक्चुअली कोहिर के हैं, कोहिर से आके आ रहे हैं। वो घरेलू मसलों में उनको गला काट के कत्ल किया गया। उसमें हम केस दर्ज किए तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मारा बैठे।